विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। कल हमने लिया था में अनिरक्षा अनुबंध या क्षतिपूर्ति अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आज उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक गारंटी अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटीज। गारंटी को हिंदी अनुवाद में प्रत्याभूति अनुबंध के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कभी कभी परीक्षा में आपकी गारंटी इंग्लिश को वैसे का वैसे लिखा जाता है या फिर प्रश्न में प्रत्याभूति शब्द का उपयोग भी संभव है, तो आपको कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। इंग्लिश में गारंटी रहेगा, इसको हूबहू गारंटी हिंदी में लिखा जाना संभव है, या फिर हिंदी अनुवाद करके पेपर से अगर प्रत्याभूति का भी उपयोग कर सकता है। प्रत्याभूति अनुबंध मीन्स गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। इनका मीनिंग बहुत सिंपल बहुत सरल है और अपने दैनिक जीवन की में कई बार अपन गारंटी अनुबंध करते भी हैं और देखते भी हैं। बैंक मैनेजर के पास यदि कोई व्यापारी लोन लेने के लिए जाता है तो बैंक मैनेजर कहता है कि मैं तो आपको नहीं जानता, या फिर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं आपको लोन देने में असमर्थ हूँ, आप किसी की जमानत लाइए किसी की गारंटी लाइए तो मैं आपको लोन दे सकता हूँ। कई बार एक नया व्यापारी पुराने व्यापारी के पास जाता है कि मेरे को आप 5 लाख रुपये का माल उधार दे दीजिए, 10 लाख रुपये उधार दे दीजिए, मैं आपको 2 महीने बाद चुका दूंगा। तो वहाँ पर भी पुराना व्यापारी उसको कहता है मैं तो आपको जानते ही, किसी की आप ऐसे व्यापारी की गारंटी दिलवाइए जो आपको भी जानता हो मेरे को भी जानता हो। तो वह उस थर्ड पार्टी के पास आता है, तीसरे पक्षकार के पास आता है कि आप मेरे साथ चलिए, अमुक व्यापारी से मेरे को 10 लाख रुपये का माल खरीदना या 10 लाख रुपये उधार लेने, आप मेरे लिए गारंटी दे दीजिए। अब तीसरा पक्षकार दोनों को ले जाता है और फिर कहता है कि नहीं नहीं आप इसको 10 लाख रुपये का माल उधार दे दीजिए, 1 महीने बाद यदि पेमेंट ये नहीं करता है तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अब इसका मीनिंग याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। पहले आप उदाहरण सुनिए ध्यान से, फिर इसी से अपन मीनिंग बनाएंगे। ए नाम के व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है या माल चाहिए 5 लाख रुपए का उधार, वह बी के पास गया। बी मीन्स क्रेडिटर या पुराना व्यापारी कि मेरे को 5 लाख रुपए का उधार माल दे दीजिए। बी ने इसको साफ साफ मना कर दिया कि मैं तो आपको जानते ही नहीं, 5 लाख रुपए का उधार माल नहीं दे सकता 1 महीने के लिए। अब क्या होता है कि सी एक ऐसा व्यक्ति है जो ए से भी परिचित है और बी से भी परिचित है। ए सी से निवेदन करता है कि मेरे को 5 लाख रुपए का उधार माल चाहिए, आप बी को मेरी गारंटी दे दीजिए। तो सी बी से कहता है कि आप इसको 5 लाख रुपए का उधार माल दे दीजिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, और यदि ये समय पर भुगतान नहीं करता है तो मैं आपको भुगतान कर दूंगा। सी के इस आश्वासन पर बी इसको माल दे देता है या उधार दे देता है या कैश दे देता है। ये तीनों में आपके गारंटी अनुबंध क्रिएट हो गया या गारंटी अनुबंध की उत्पत्ति हो गई। अब रही बात इसके डेफिनेशन या मीनिंग की, तो आप ध्यान से सुनिए, आप खुद इसका मीनिंग या इसके डेफिनेशन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। वह अनुबंध जिसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीसरे पक्षकार की त्रुटि या भूल की दशा में हुई हानि की पूर्ति करने का वचन देता है। लिखना चाहिए वह अनुबंध जिसमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीसरे पक्षकार की भूल के कारण होने वाली हानि की पूर्ति करने का वचन दिया जाता है। एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को तीसरे पक्षकार की भूल के कारण हुई हानि की पूर्ति करने का वचन दिया जाता है। तीनों पक्षकारों के संयुक्त प्रयासों से आपका गारंटी अनुबंध सृजित होता है। बाकी सभी प्रकार के अनुबंधों में दो ही पक्षकार न्यूनतम होते हैं, मिनिमम टू पार्टीज से अनुबंध सामान्य अनुबंध बन जाता है। लेकिन गारंटी अनुबंध की खासियत है इसमें मिनिमम 3 पार्टी होनी चाहिए, देर आर 3 पार्टीज आर एसेंशियल। जब तक 3 पक्षकार नहीं होंगे गारंटी अनुबंध सृजित ही नहीं होगा, क्रिएट ही नहीं हो सकेगा। तीनों को अलग अलग नामों से पुकारा जाएगा। ये आपका डेटर ऋणी, ये आपका क्रेडिटर ऋणदाता, और ये आपका गारंटर, इसको प्रतिभू के नाम से पुकारा जाएगा। ये आपका ऋणी होगा और ये है आपका ऋणदाता के नाम से पुकारा जाएगा। जो पैसा देता है माल उधार देता है वो ऋणदाता, जो लेता है वो ऋणी, और जिसने जमानत दी है जिसको हम गारंटर कहते हैं, प्रतिभू के नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार इन तीनों में त्रिभुजात्मक संबंध
उत्पन्न हो गया और गारंटी अनुबंध में तीन अनुबंधों की उत्पत्ति होती है एक साथ। एक तो आपके हो गया सामान्य अनुबंध, एक होता है आपके अनिरक्षा अनुबंध। अनिरक्षा अनुबंध सी और बी के मध्य हुआ है, सी ने बी को हानि की रक्षा करने का वचन दिया है, इसलिए सी और बी के मध्य जो अनुबंध हुआ वो अनिरक्षा अनुबंध हुआ है। ए और सी के मध्य जो अनुबंध हुआ वो गारंटी अनुबंध, और ए और बी के मध्य जो अनुबंध हुआ वो आपके सामान्य अनुबंध माना जाएगा। इसलिए इसको त्रिभुजात्मक संबंध के नाम से भी पुकारा जाता है। एक बात आपको और बतानी है यहाँ पर, इसके जस्ट पहले आपने जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें आपने अनिरक्षा अनुबंध की जानकारी दी थी, उसमें एक प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है और वो क्या है कि क्या अनिरक्षा अनुबंध को जीवन बीमा अनुबंध में सम्मिलित किया जा सकता है, या जितने भी आपके बीमा अनुबंध होते हैं वो सब अनिरक्षा अनुबंध तो कहलाएंगे कहलाएंगे, लेकिन क्या जीवन बीमा अनुबंध को भी अनिरक्षा अनुबंध माना जा सकता है? इसका आंसर होगा नहीं, कभी नहीं। जीवन बीमा अनुबंध को अनिरक्षा अनुबंध की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, और उसके पीछे आपको कारण बताने हो तो आप कारण बता सकते हैं। कारण पहला कारण क्या होगा कि जीवन बीमा अनुबंध इन्वेस्टमेंट पर्पस से या सेविंग पर्पस से किया जा सकता है, जबकि अनिरक्षा अनुबंध इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं होता कभी भी। इसमें अनिरक्षाधारी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता, यह इन्वेस्टमेंट पर्पस से होता ही नहीं। आपके समुद्री बीमा अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध कहलाता है, अग्नि बीमा अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध कहलाता है, दुर्घटना बीमा अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध कहलाता है, लेकिन जीवन बीमा अनुबंध कभी भी अनिरक्षा अनुबंध नहीं माना जा सकता। उसके तीन कारण हैं। पहला कारण आपको मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट पर्पस, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, दुर्घटना बीमा, इनमें कभी भी इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य नहीं होता। जीवन बीमा अनुबंध में इन्वेस्टमेंट उद्देश्य हो सकता है, एक तो आपकी जोखिम कवर होगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, दोनों पर्पस। मानव जीवन का मौद्रिक मूल्य निश्चित नहीं होता है, अर्थात जीवन बीमा अनुबंध इसलिए भी अनिरक्षा अनुबंध नहीं है कि उस अनुबंध का मूल्य क्या होगा, 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, किसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य मुद्रा में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में, इसलिए भी इस जीवन बीमा अनुबंध को अनिरक्षा अनुबंध नहीं कहा जा सकता। कई बार क्या होती है, इसमें वास्तविक हानि पर होने पर ही भरपाई की जाती है। अनिरक्षा अनुबंध में क्षति की पूर्ति कब संभव है, जब आपको वास्तविक हानि होगी। आपको वास्तविक हानि नहीं हो रही, किसी भी तरह की पूर्ति नहीं की जाएगी, लेकिन जीवन बीमा अनुबंध में यदि आपकी उस अवधि में डेथ नहीं होती है तो परिपक्वता पर भी आपको भुगतान मिलेगा और बोनस मिलेगा अतिरिक्त। तो ये तीन कारण है जिनकी वजह से जीवन बीमा अनुबंध को अनिरक्षा अनुबंध नहीं माना जाता। फिर से सुनिए क्या कहानी है पूरी। कई बार इंटरव्यू वगैरह में पूछा किया जाता है, या कई बार आपके आपके एमसीक्यूज मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में भी यह पूछा जाता है कि जीवन बीमा अनुबंध को क्या अनिरक्षा अनुबंध माना जा सकता है या नहीं। सामान्य रूप से समुद्री बीमा अनुबंध, अग्नि बीमा अनुबंध, दुर्घटना बीमा अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध माने जाते हैं, लेकिन जीवन बीमा अनुबंध लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट अनिरक्षा अनुबंध नहीं माना जाता। उसके पीछे तीन कारण हैं। पहला कारण, जीवन बीमा अनुबंध इन्वेस्टमेंट बेस्ड होता है, सेविंग बेस्ड होता है, इसलिए इसको नहीं माना जाता। दूसरा कारण, जीवन बीमा मनुष्य का जीवन बीमा होता है और मनुष्य के जीवन का मौद्रिक मूल्यांकन किसी भी हालत में संभव नहीं है। आप 1 करोड़ रुपए कह सकते हो, 500 करोड़, 5 लाख करोड़, कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जीवन बीमा अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध नहीं है। तीसरा, अनिरक्षा अनुबंध जितने भी होते हैं वास्तविक हानि होने पर ही पूर्ति की जाती है, रक्षा की जाती है। यहाँ पर जीवन बीमा अनुबंध करवाया 25 साल का, 25 साल तक आपको जीवन को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके उपरांत भी आपको परिपक्वता पर भुगतान मिलता है और बोनस भी अनिरक्षक द्वारा दिया जाता है। तीन कारणों से जीवन बीमा अनुबंध को अनिरक्षा अनुबंध नहीं माना जाता है। बाकी हम इसमें कल देखेंगे कि आपके गारंटी अनुबंध के क्या लक्षण है। गारंटी अनुबंध अनिरक्षा अनुबंध में भी परीक्षा में बार बार डिफरेंस पूछा जाता है, तो एक हेडिंग अपन नेक्स्ट लेक्चर में वो भी देखेंगे।